जय माता की। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रे 2023 के 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इन दिनों हम माता की 9 दिनों की चौकी लगाते हैं और उनका आह्वान करते हैं। माता की विधि विधान से पूजा करने के लिए हमें सामान की कुछ ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये ऐसा होता है, हम मार्केट जाते हैं सामान लेने और कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो अगर पहले ही एक लिस्ट बना लें और उसके अनुसार सामान लाए तो बिना किसी परेशानी के हमारा पूरा सामान एक बारी में आ जाएगा। और ख़ास तौर पे जो लोग ये व्रत पहली बारी रख रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो इस लिस्ट के द्वारा सामान ला के अपना विधि से पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक चौकी और लाल कपड़ा चाहिए 1.25 मीटर, जो हम उस चौकी के ऊपर बिछाएंगे। माता जी की एक फ़ोटो या मूर्ति, एक गणेश जी की फ़ोटो। अगर आपके पास फ़ोटो गणेश जी की या मूर्ति कुछ भी नहीं है तो आप उसकी जगह सुपारी भी रख सकते हैं। नवग्रह यंत्र चाहिए, धातु का बना हुआ। अगर वो नहीं है तो आप चावल लेंगे, चावल की 9 ढेरियां बना के और उसके ऊपर 9 सुपारी रख देंगे। लाल चुनरी चाहिए, एक बड़ी जो आप माता के ऊपर चढ़ाएंगे और एक जो आप नारियल के ऊपर चढ़ाएंगे। नारियल के ऊपर लपेटने के लिए आप छोटी चुनरी ला सकते हैं, और माता की चुनरी आप जिस हिसाब से आपकी माता की फ़ोटो है, अगर बड़ी है तो बड़ी चुनरी लाएंगे और छोटी फ़ोटो या प्रतिमा है तो छोटी चुनरी लाएंगे। और यदि आपके पास माता की प्रतिमा मूर्ति है तो उसे आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, जिसे विग्रह स्नान कहते हैं। कच्चे दूध से भी करा सकते हैं आप। और यदि आपके पास माता की तस्वीर है तो उसे आप गंगा जल से अच्छी तरह साफ करके उसको उसका उसकी स्थापना कीजिए। साथ ही हमें चाहिए होती है माता के श्रृंगार की सामग्री। वैसे तो सामान की पूरी होते हैं चूड़ी, बिंदी, काजल। अगर आप ये सब ना भी कर सके तो एक सिंदूर की डब्बी अवश्य चढ़ाएं। अब जो लोग कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए? उसके लिए चाहिए एक कलश, मिट्टी का या धातु का कलश लीजिए। प्लास्टिक का यूज़ ना करें, मिट्टी और धातु का ही सबसे अच्छा और उत्तम माना जाता है। और गंगा जल चाहिए, आम के पत्ते चाहिए हमें, जो 5, 7 या 11 में होने चाहिए, जिसे हम कलश के ऊपर लगाएंगे। एक लौंग, एक इलायची, एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अक्षत जो होने चाहिए वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, फूल, सर्व औषधि। तो ये सब चीज़ें हम कलश के अंदर डालेंगे। एक नारियल चाहिए, जटा वाला, जो पानी वाला होता है। और यदि आप ज्वारे उगा रहे हैं तो ज्वारे के लिए जौ चाहिए हमें 100 ग्राम, या आप गेहूं भी ले सकते हैं। एक मिट्टी का पात्र चाहिए जिसमें आप वो ज्वारे उगाएंगे, और साफ मिट्टी चाहिए। मिट्टी आप साफ जगह से ही लें, जैसे पार्क हो गई या पे या कहीं मकान बन रहा हो उधर की साफ मिट्टी हो तो वो लेके आइए, कहीं नाली या गंदी जगह से मत लाइए, क्योंकि हमें इस पूजा में बहुत शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। और यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसके लिए चाहिए आपको एक बड़ा दीपक मिट्टी का, रुई की लंबी बाती। अगर रुई की बाती ना उपलब्ध हो तो आप जो लाल कलावा होते हैं हम हाथ पे बांधते हैं, उससे भी बत्ती की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका हमारे शास्त्र में बहुत महत्व है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। और दीपक जलाने के लिए हम गाय का घी का इस्तेमाल करेंगे। गाय का घी शुद्ध माना जाता है। और यदि आप गाय का घी ना ले पाए तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो पूजा सामग्री है उसके लिए हमें धूप बत्ती चाहिए 1 पैकेट, और दीपक चाहिए जो आप सुबह शाम प्रज्वलित करेंगे, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, जनेऊ चाहिए, या फिर जनेऊ ना मिले तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं, जो हम गणेश जी को और अखंड ज्योत में हम उन्हें चढ़ाएंगे, कलावा, मोली, शहद, इत्र,
इत्र हम हमेशा किसी भी त्यौहार में या व्रत उपवास में इत्र का इस्तेमाल करते हैं। इनसे हमारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। लौंग चाहिए हमें, इलायची, कमलगट्टे, कपूर, पान। पान के पत्ते आप एक बारी में ही लाके रख दीजिए, 11 पान के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें लाके आप कागज़ में लपेट के फ्रिज में रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होंगे। और प्रत्येक दिन एक एक पत्ता चढ़ाते रहिए। और आप इसे यदि हवन करते हैं तो हवन में भी चढ़ा सकते हैं। सुपारी चाहिए और पुष्प लाल गुड़हल का या और गुलाब का फूल माता को बहुत प्रिय है। दूर्वा चाहिए जो हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। बाकी अगर यदि आप हवन करते हैं तो हवन सामग्री चाहिए। आप गाय के गोबर के उपले इस्तेमाल कर सकते हैं हवन के लिए, या फिर आम की लकड़ी या नवग्रह समीदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लौंग बताशे आप माता को ज़रूर चढ़ाएं, वो माता को बहुत प्रिय है। भोग प्रसाद में मिश्री हो गया, मिठाई हो गई, पंचमेवा हो गया, तो नवरात्र के दिन के अनुसार आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। उन्हें मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। जैसे एक पान का पत्ता ले लिया, उसमें बताशे रख दिए, मिश्री रख दी, या फिर आप सीधा एक मीठा पान भी पान वाले से लेके वो भी चढ़ा सकते हैं। और पूजा पाठ के लिए आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और नवरात्र कथा की पुस्तक आती है वो लेके माता की कथा पढ़ें, और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। यहाँ मैंने ये लिस्ट डाल दी है। अगर आप इसमें से कलश स्थापना या ज्वारे नहीं उगाना चाहते और अखंड जोत ना जला के आप बस सुबह शाम धूप दीप करना चाहते हैं तो ये वाला सामान छोड़ दीजिए। बस जो ऊपर चौकी वाला पटरे वाला सामान है वो लेके आइए, और पूजा सामग्री आप ला सकते हैं। और यदि आप हवन करना चाहेंगे तो जो मैंने हवन के लिए यहाँ सामान लिखा है वो आप ले लीजिए। जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।